सो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं फाउंड माई बुक। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सफर्ड की, यहाँ पे स्टूडेंट एटलस है जो कि द्वितीय भाग है भारत का। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो ये बुक है एटलस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों यूपीएससी, या फिर आप किसी भी सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑक्सफर्ड की ये सबसे बेहतरीन बुक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये बुक है वो ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन की है, जो कि एक द्वितीय भाग है, द्वितीय संस्करण है ऑक्सफर्ड का। इसमें यहाँ पे अभ्यास प्रश्नावली सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पुनः परिशोधित एवं ये नवीनतम संस्करण है 2021 का, तो ये भारत के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, और प्रासंगिक मानचित्र तथ्यों तथा आंकड़ों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो अगर यहाँ पे हम बुक ओपन करते हैं तो कंप्लीटली आप देखेंगे तो प्रिंटेड यहाँ पे आपको इस बुक में पेज दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे विषय सूची, तो विषय सूची यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जो इसका इंडेक्स है वो डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं या वहाँ से आप डाउनलोड करके इंडेक्स देख पाएंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको भारत और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पे आपको मानचित्र मिलेंगे, जिसमें काफ़ी सारे प्राकृतिक और भी काफ़ी सारे इसमें आपको डिस्क्रिप्शन, आपको मानचित्र मिलने वाले हैं। उसी के अलावा यहाँ पे भारत विषयक, महाद्वीप और प्रदेश, यहाँ पे विश्व, काफ़ी सारे दोस्तों आप देख सकते हैं देशों के भी यहाँ पे आपको मानचित्र मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का यहाँ पे आपको कंप्लीट विश्लेषण दिया गया है। यहाँ पे आप विवरण देख सकते हैं ब्रह्मांड का, इसमें विवरण दिया गया है, और यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे इमेज दी गई है। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे तो कुछ यहाँ पे मानचित्र तथा मानचित्र कला यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इस बुक में मानचित्र दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा HD इमेज यहाँ पे दी गई है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत का प्राकृतिक मैप दिया गया है, यहाँ पे आपको भारत का राजनीतिक मैप दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंडेक्स किया गया है, और यहाँ पे आपको कुछ समझाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ की प्राकृतिक यहाँ पे आपको भूगोल दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो राजनीतिक है वो यहाँ पे दिया गया है, सेम लद्दाख, जम्मू कश्मीर इनका। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से राजस्थान, गुजरात का भी यहाँ पे प्राकृतिक और यहाँ पे राजनीतिक मैप दर्शाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बुक आपको दी गई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बुक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जलवायु विश्लेषण भी मैप द्वारा दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे भू आकृतिक इकाइयाँ भी दी गई है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र और प्राकृतिक वनस्पति और वन दिए गए हैं, और भूमि उपयोग भी दिया गया है। यहाँ पे आपको ऊर्जा परियोजनाएं और यहाँ पे सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं वहाँ वो भी आपको मैप द्वारा दर्शाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बुक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हर पेज पे आपको मानचित्र दिए गए हैं। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से यहाँ पे आपको सभी देशों के जो देखेंगे सभी देशों के यहाँ पे आपको झंडे, फ्लैग यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद में राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं मुद्रा यहाँ पे आपको दी गई है। आई थिंक आप यहाँ पे देख पाएंगे, देख सकते हैं जैसे ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, क्षेत्रफल और यहाँ पे जनसंख्या, मुद्रा आदि दिए गए हैं। इस तरीके से जितने भी यहाँ पे कंट्री है, जितने भी देश है, कंप्लीट का आपको यहाँ पे फ्लैग और यहाँ पे जो इनकी मुद्रा है, इनके फ्लैग आदि सब यहाँ पे आपको दिए गए हैं।
उसके बाद में यहाँ पे मानव विकास तथ्य एवं आंकड़े यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सकल घरेलू उत्पाद 2018 का यहाँ पे आपको दिया गया है, 2017 का आपको दिया गया है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट बुक दी गई है। तो अगर आप कोई भी यूपीएससी एग्जाम या किसी भी सिविल एग्जाम या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन की ये एटलस काफी ज्यादा उपयोगी है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। पीछे आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के लिए, तो इससे आप इजीली अभ्यास कर सकते हैं। अगर इस अभ्यास में आप सफल हो जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जो मानचित्र वाली है वो एकदम आपकी कवर हो जाएगी। दोस्तों अगर एंड में हम बात करते हैं तो एंड में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दो मानचित्र बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको फोल्ड करके दिए गए हैं। आई थिंक यहाँ पे आप देख पाएंगे। काफी बड़ा मानचित्र है यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ टॉपो शीट यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मानचित्र है। इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो पीछे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कंप्लीट इंडिया का मैप आपको बहुत बड़ा दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया का मैप भी आपको दिखेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक और मैप दिया गया है, सेकंड है, जो कि भारत राजनीतिक है। इसको भी मैं आपको एक बार खोल के दिखाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एक बार खोल कर देता हूँ। अभी से मैप को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपनी वॉल पे भी लगा पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी काफी बड़ा यहाँ पे आपको मैप दिया गया है, जो कि विश्व राजनीतिक मैप है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वॉच दी गई है, जो कि आपके अलग अलग टाइम को दर्शाती है, मतलब सभी विदेशों के इंटरनेशनल टाइम को दर्शाती है। उसके अलावा इस तरीके से यहाँ पे विश्व राजनीतिक मैप दिया गया है, और पीछे यहाँ पे आपको भारत का प्राकृतिक मैप दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का प्राकृतिक मैप भी इस बुक में दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको भारत की जलवायु का भी एक मैप दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपकी ये बुक है ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन की, तो इस बुक को आप ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छी यहाँ पे ये ऑक्सफर्ड की बुक है। दोस्तों पेज की क्वालिटी भी आपको काफी बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि काफी अच्छी ये बुक है ऑक्सफर्ड इंडिया। तो यहाँ पे इस बुक को आप ले सकते हैं, ये द्वितीय संस्करण आपको मिलेगा। तो इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट foundmybook.com पे जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इस बुक को आप बाय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर भी कोई आपको समस्या है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।